ये है लौकी का पौधा। तो ये इसमें दो फूल है, तो उसमें हम पहचानेंगे कि पुरुष कौन सा है और मादा कौन सा है। तो जिसके जैसे कि ये है पुरुष फल और ये है मादा फल। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? हम इसको ऐसे पहचानेंगे कि जैसे इस फूल में देखिए कि नीचे में कोई फल नहीं दिया हुआ है, वेरी गुड, तो ये पुरुष फल हुआ। और इसमें देखिए, इसमें नीचे में फल दिया हुआ है, तो ये हुआ मादा फल। तो हम अब जानते हैं कि ये इसमें फल कैसे बनता है। फल ऐसे बनता है कि ये जो है पुरुष पुरुष वाला जो फूल है, तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, पराग परागण कण होते हैं। ये कण इस ये का ये वाला कण इस फूल में जब निषेचन करता है, जैसे ये हुआ ऐसे निषेचन करता है, तब ये फल बड़ा होता है। निषेचन क्रिया कैसे होगा? जैसे इसमें छोटा छोटा कण होते हैं, ये कण इसमें चला जाएगा तो इससे निषेचन हो जाता है। निषेचन कैसे होता है? जैसे कीड़े मकोड़े के द्वारा इसमें जो कण होता है, इस पे कीड़े मकोड़े बैठेंगे और इस फूल पे चला जाएगा तो निषेचन हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसमें निषेचन हुआ या नहीं हुआ, तो ये हम कैसे जानेंगे? अगर ये फल 2-3 दिन के बाद बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो हम समझेंगे कि निषेचन हो गया है। अगर ये सड़ के गिर जाएगा तो हम समझेंगे कि निषेचन नहीं हुआ है। अंत में देखिए कि ऐसे लदे हुए फल ऐसे हो जाएंगे अगर निषेचन हो गया तो।